मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी नगरीय निकाय चुनाव गैर दलीय आधार पर होंगे। इसे लेकर भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस ने हार के डर से यह निर्णय लिया। मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह के आधार पर नहीं होंगे, यानी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को भी अलग अलग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना होगा। इसे लेकर गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। इस निर्णय से राजनीतिक पार्टियों में गहमागहमी मच गई। इस नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए भाजपा नेता गोविंद मालू ने ट्वीट करके कहा कि डर गई सरकार और कांग्रेस, हाथ का पंजा अलोकप्रिय क्या हुआ, पराजय से मुंह छुपाने के लिए नियम विधान संविधान सब बदल दो, ये वक्त है बदलाव का नहीं डर का। अभी जो निकाय के चुनाव होने वाले हैं उसके अंदर चुनाव के चिन्ह हटाने की एक जो बात सामने आई है, क्या लगता है इस तरीके से जो चुनाव चिन्ह हटा देना निकाय चुनाव में किसको फायदा पहुंचाएगा, किसको नुकसान पहुंचाने का वायदा? अब मुझे तो समझ में नहीं आता है कि जो प्रदेश का जो नेतृत्व है माननीय मुख्यमंत्री जी वो क्यों किस तरह से निर्णय ले रहे हैं और किस बात से हम लोग घबराए हुए हैं, किस बात से वो लोग डर रहे हैं। सत्ता जाने के भय से डरे हुए हैं, इसलिए कोई नियमों में परिवर्तन, व्यवस्थाओं में परिवर्तन और जो भी एक लंबे समय जो व्यवस्था चल रही हो उसको तोड़ मरोड़ करके और एक नई व्यवस्था पंचायत जैसी लागू करना, अब उसके पीछे मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनका अपना हित होगा, सत्ता में आने की संभावनाएं उन्हें दिख रही होंगी, इसलिए वो ये मूलभूत परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे कि मतलब महापौर जी का सीधे सीधे निर्वाचन ना होना, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए कोई चुनाव चिन्ह आवंटित ना होना। देखिए मैं समझता हूँ काम ही सेवा है और जो काम करता है, जो विकास करता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। कितने भी नए नियम बन जाए, कितने भी नए व्यवस्थाएँ लागू हो जाए, जो काम करेगा वही आगे। रोल भाई साहब, इस बार के जो निकाय चुनाव होने वाले नगर निगम के चुनाव, उसके अंदर ये फैसला किया गया है कि जितने भी जो प्रत्याशी होंगे उनको चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किए जाएंगे, तो क्या लगता है आपको कि किस तरीके की सरकार की ये मुहिम है और कितना फायदा इसका होगा? देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, पहले ये पार्षदों का चुनाव पार्षदों के द्वारा इन्होंने करा, डायरेक्ट चुनाव को हटाया, अब इसके बाद में फिर ये दूसरा चरण है इनका, गैर दलीय आधार के ऊपर चुनाव को कराना है। उनको मालूम है, कांग्रेसी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके चुनाव चिन्ह की कीमत नहीं है। पब्लिक जो है, पब्लिक में उसकी जो मान्यता होना चाहिए, जो उसके प्रति एक विश्वास होना चाहिए चुनाव चिन्ह के प्रति, वो विश्वास वो खो चुके हैं और इसी डर के कारण उन्होंने चुनाव चिन्ह को इसमें से हटाया। निसंदेह जो नगर पालिक निगम या कोई अन्य चुनाव हो, उसमें कमल के फूल की एक देश के लोगों के अंदर एक मान्यता है और उसी डर के कारण इन्होंने उस चीज को हटाया, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते राजनीतिक दल का प्रमाणिक संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का सदस्य होने के नाते ये मेरा नैसर्गिक अधिकार बनता है कि मैं मेरे चुनाव चिन्ह के ऊपर चुनाव लड़ूँ, उसको कोई रोकना नहीं चाहिए और इसके लिए हमारा सख्त विरोध रहेगा, चाहे कानूनी रूप से हो चाहे मौखिक रूप से। हम सबको मंशा क्या लगती है इसके पीछे आपको? मंशा मैंने बताया आपको कि कांग्रेस को चुनाव चिन्ह से डर लगता है और उनको मालूम है कि अगर हम चुनाव चिन्ह हटाएंगे तो एक भ्रम पैदा हो जाएगा लोगों के पीछे प्रत्याशियों को लेकर, क्योंकि चुनाव चिन्ह में स्पष्ट रहता है कि हाथ के पंजे से है और ये कमल के फूल से, तो वो वर्गीकरण करना लोगों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बहुत आसान रहता है। यहाँ पर भ्रम पैदा करके वर्गीकरण को वो रोकना चाहते हैं और उसके सारे कुछ राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। कानूनी विकल्प की आप बात कर रहे हैं, कब कानूनी कदम उठाएंगे और किस तरह से कदम उठाएंगे? इस पर विचार कर रहा हूँ मैं, मैंने बोला भी है जो इसके विधि के विशेषज्ञ उन लोगों से कि वो इसमें देखें कि क्या हम किस स्तर तक जाके उसमें लड़ाई लड़ सकते हैं और हम हमारे विचार तो वहाँ पर रखेंगे कि जिससे आम जनता को आम लोगों को ये मालूम पड़े कि कांग्रेस जो है वो एक अलग चरित्र के पार्टी है, वो अलग व्यवहार कर रही है।